के टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने। अगर किसी ने टूटा दिल कभी जोड़ा है तो जाके शुभमन गिल का जोड़ दो भाई। अबे 98 पर रह गया लड़का यार, बताओ साला। एक तो अबे धूप आई हुई है, ऊपर से बारिश आ जाती है यार। लेकिन भाई शुभमन गिल भाई, तुम भी तो यार 88 के बाद इतना स्लो हो गए। तुम्हें लगा 40 ओवर का गेम है, मतलब 40 ओवर पूरे होंगे। ओ भाई नहीं है भरोसा यहाँ पे, मार मोर के साइड करते यार काम। पहली सेंचुरी आते आते रह गई भाई 98 बोले 98 रन। और ये इसमें ज्यादा रोल उसका भी रहा है, अगर वो सुरेश अय्यर नॉट आउट रहता ना तो इसकी सेंचुरी आ जाती अब तक, क्योंकि अय्यर आउट हुआ, उसके बाद सूर्या आउट हुआ तो एक एंड से विकटे गिर गई। उधर से जब संजू आया वो भी 7/6 बना के खेल रहा था, तो वह ऐसा भी नहीं है कि दूसरे एंड से हेल्प मिला हो। लेकिन यार बहुत बुरा लगा, हार्ट ब्रेक हुआ जिस तरीके से, जब शुभमन गिल बाहर जा रहा था बिल्कुल रोने जैसा चेहरा हो रखा था यार शुभमन गिल का, एकदम रोने जैसा चेहरा। अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि जिस टाइम ये बारिश आई 36 ओवर थे उस टाइम, 36 ओवर हो चुके थे और उस टाइम ये साफ साफ जो इंस्ट्रक्शन थी वो ये आ गई थी कि अगर 20 मिनट तक मैच शुरू नहीं होता है तो फिर इंडिया बैटिंग के लिए नहीं आएगा दोबारा। और जिसका डर था वही हुआ, इंडिया बैटिंग के लिए नहीं आया और शुभमन गिल का जो सेंचुरी है वो रह गई। अनफॉर्चुनेट है, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है उस लड़के को देख के यार। लेकिन बेस्ट ऑफ लक बड़ी, बहुत अच्छा खेले तुम। पहले मैच में 60+, वहां पे भी तुमने कैजुअल लिया, थोड़ा सा आसान ले लिया, थोड़ा इजी ले लिया, ग्रांटेड ले लिया, वहां पे भी तुम रन आउट हो गए थे। उसके बाद दूसरे मैच में 43, वो भी एक थोड़ा खराब शॉट हो गया, लेकिन उसके बाद आज बहुत अच्छा खेले तुम। कम से कम 3 मैचों में 2 सेंचुरियां डिजर्व करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट एक भी सेंचुरी नहीं आई। हार्ड लक, लेकिन बहुत अच्छा खेले, बहुत अच्छा खेले यार शुभमन गिल के लिए। लाइक सब्सक्राइब ठोको, दबा के खींच के रखो कामयाब। थैंक यू सो मच। नहीं, बात बात बात, अरे नहीं भाई।